कथा सुनने से फायदा क्या है? ले अब इन भाई साहब को का बता दे, प्यारे बेटा घाटा बताओ, घाटा क्या है? आप कहोगे कि उत्तर विचित्र है। कथा सुनने का पहला फायदा तो यह है कि सबसे पहले तो हम मानव बनते हैं कथा सुनकर। दूसरा फायदा समय का सदुपयोग करते, काम तो जिंदगी भर रहना है, 3 घंटे बैठ करके राम चर्चा करते हैं तो मन बुद्धि और चित्त हमारे पवित्र हो। चौथा फायदा, कंप्यूटर के वायरस को मिटाने के लिए जिस प्रकार एंटीवायरस नामक प्रोग्राम इंस्टॉल करना पड़ता है और एंटीवायरस प्रोग्राम इंस्टॉल करने के बाद कंप्यूटर एकदम स्मूथ चलने लगता है, वायरस सब हट जाते हैं, उसी प्रकार मस्तिष्क भी एक कंप्यूटर है और इसमें गंदी आदतों के वायरस आ जाते हैं, इन वायरसों को मिटाना है तो कथा रूपी एंटीवायरस प्रोग्राम बहुत आवश्यक है। ये फायदा है कथा सुनने का। फिर आप कहोगे महाराज एक बार सुन लें, बार बार क्या जरूरी है? देखो साहब, कंप्यूटर में अगर एक बार आप एंटीवायरस प्रोग्राम इंस्टॉल कर लो और सब वायरसों को खत्म कर दो तो 2-4 दिन बाद फिर नए आ जाते हैं, इसलिए बार बार बीच बीच में उस पर पिन करना पड़ता है, बार बार उसको करना पड़ता है, जंक फाइलों को मिटाना पड़ता है। उसी प्रकार बार बार कथा सुनते रहो ताकि जितनी गंदी आदतें हैं वो धीरे धीरे जाती हैं। इसलिए कथा जरूरी है। बोलो सीताराम, जोर से बोलो, और जोर से बोलो। आपने एक प्रश्न और किया, आध्यात्मिक होना क्या जरूरी है? जी, आध्यात्मिक होना बहुत जरूरी है, बहुत जरूरी है। जीवन को व्यवस्थित जीना है तो आध्यात्मिक होना बहुत आवश्यक है। व्यवस्थित का मतलब देखो, बिस्कुट प्लेट में 2 प्रकार से रखी जा सकती है। एक बिस्किट का पैकेट लिया, उसको खोला और ऊपर से गिरा दी, सब एक दूसरे के ऊपर युद्ध करती हुई नजर आती हैं। बिस्कुट तो खाना है, प्लेट खाना नहीं है, पर देखने में बड़ी अच्छी नहीं लगती। और कई बार सभ्य व्यक्ति बिस्किट का पैकेट लेकर के खोल करके प्लेट में सजा सजा करके रखता है, समय जरूर लगता है, खाना बिस्किट ही है पर देखने में बहुत अच्छी लगती है। उसी प्रकार जीवन को अगर व्यवस्थित बनाना है, अच्छे ढंग का बनाना है, बहुत ढंग से जीना है, समय का सदुपयोग करना है तो आध्यात्मिक होना बहुत आवश्यक है। और जीवन को अगर अव्यवस्थित जीना है तो फिर आप जैसा जी रहे वैसा जी रहे। अंत में हम यही बात कहेंगे, मेरे युवा जो भी हो आप, आपको धन्यवाद, और हम यही कहेंगे जीवन में आप एक बार यह विचार जरूर करना कि आप सनातन धर्म क्यों नहीं स्वीकार करना चाहते, कथा क्यों नहीं सुनना चाहते। आपकी समझ में सब कुछ आ जाएगा कि सनातन धर्म कितना जरूरी है। जीवन जीने के लिए सनातन धर्म जरूरी है और दिमाग की बुद्धि की गंदी आदतों को हटाने के लिए कथा जरूरी है।